नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कितार से दिनेश वर्मा की रिपोर्ट। कितार थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव निवासी दिव्यांग स्वयं सेवक रविकांत वर्मा का तीन पहिया वाहन देखते जलकर खाक हो गया। दिव्यांग रविकांत वर्मा अपने घर से पाचा डूमर गांव जा रहा था। इसी बीच बूंदा बूंदी बारिश से बचने के लिए वह राजघाटी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के पास गाड़ी खड़ी कर जो ही उप केंद्र गए, उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दो पैर से दिव्यांग रविकांत कुछ समझ पाता तब तक उसकी गाड़ी जलकर राख हो गई। साथ ही प्रखंड कार्यालय से संबंधित कागजात भी जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद वह काफी सदमे में है। उसने बताया कि बड़ी मुश्किल से पाई जमा कर 50,000 रुपए में तीन पहिया गाड़ी खरीदी थी। यही गाड़ी उसके चलने का एकमात्र सहारा था। इस गाड़ी से वह दिव्यांग होने के बावजूद वह स्वयं सेवक का कार्य कर परिवार का भरण पोषण करता था। उक्त गाड़ी के जल जाने से उसकी भारी क्षति हुई है। मैं रविकांत चंद्रवंशी, मुकुंदपुर पंचायत सचिवालय का स्वयं सेवक। कल 17 मार्च 2019 को मैं पाचा डूमर जा रहा था और इसी क्रम में मेरा स्कूटी में अचानक आग लग गया, जिससे देखते देखते मेरा स्कूटी जलकर राख हो गया। मैं पूर्ण रूप से दिव्यांग हूँ। मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे परिवार का माली हालत ठीक नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो जन्म के बाद मैं दिव्यांग बना, उसके बाद संघर्ष करके ग्रेजुएशन, बीएड और कंप्यूटर कोर्स की शिक्षा ग्रहण किया। इस कोर्स को पूरा करने में मैं बच्चों को ट्यूशन कराया और कुछ सहयोग मेरे शुभचिंतकों के द्वारा प्राप्त हुआ, जिससे मैं शिक्षा पूरा किया। उसके बाद गाड़ी लिया। गाड़ी लेने से मुझे लगा कि मेरा पैर, जो कृत्रिम पैर है, वो मुझे मिल गया। असली पैर तो मैं खो चुका था। कहीं भी आसानी से आया जाया करता था। गाड़ी से मेरा जो आमदनी है, आमदनी का जरिया भी बढ़ गया था, जिससे मेरे परिवार में तीन लड़कियां, पत्नी, बूढ़े माता पिता, मेरे परिवार में मैं इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हूँ और कमाने का जरिया भी मेरा जलकर राख हो गया। अब भविष्य भी मुझे काला नज़र आ रहा है। मुझे डरावना सा महसूस हो रहा है कि भविष्य के बारे में सोच कर मेरे आँख भर जा रहे हैं और मैं सोचने पर मजबूर हो जा रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को एक अच्छे स्थिति में कैसे ला सकूँगा। आप सभी मेरे परिचित शुभचिंतक, मेरे ब्लॉक के सभी सीनियर सर लोग और हमारे स्टाफ, आप तमाम से आग्रह है, प्रार्थना है कि जो मुझे भविष्य काला नज़र आ रहा है, उससे निपटने में प्लीज़ मुझे हेल्प करें। आपके हेल्प के बिना मैं इस दलदल से नहीं उबर सकूँगा। मुझे सहयोग करके मेरा आने जाने के साधन को उपलब्ध कराएं। अगर कुछ गलत बोला हूँगा तो माफ़ कीजिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।